So hi guys, it's me Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको काइनमास्टर के से दो एडवांस एंड प्रो लेवल एडिटिंग ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला ट्रिक जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम काइनमास्टर के अंदर किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड में हम शेडो क्रिएट कर सकते हैं 3D शेडो। एंड जो दूसरा हमारा ट्रिक से और दूसरा ट्रिक पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम काइनमास्टर के अंदर किसी भी वीडियो पर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, जो जिसको हम कभी कभी बॉर्डर भी कहते हैं, एक्चुअल में वो स्ट्रोक ही होता है। तो स्ट्रोक एंड 3D शेडो कैसे क्रिएट कर सकते हो, इन दोनों चीज मैं आपको इस वीडियो पर सिखाने वाला हूँ। तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें अपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से मीडिया ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी बैकग्राउंड को सबसे पहले इनपुट कर लेंगे। तो आप सिंपली बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप किसी भी कलर के एक बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, ठीक है। देन बैकग्राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन उसका बड़ा कर लेंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मीडिया ब्राउजर चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जिस वीडियो की आप 3D शेडो क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक वीडियो को ऐड कर रही हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी इसे कर देते हैं डन। उसके बाद हमें सिंपली लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन मीडिया ब्राउजर चूज करना है और बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर की बैकग्राउंड चूज कर लेना है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से रोटेट करेंगे एंड रोटेट करने के बाद आप जो इसे इस तरीके से अपनी वीडियो के ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से आप बैकग्राउंड को वीडियो के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। देन बैकग्राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन आपको अपनी वीडियो के साथ एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली हमें अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अल्फा ओपासिटी पर आना है और इसका जो ओपासिटी आपको इसे कम कर लेना है। उसके बाद आप अपनी वीडियो के किस साइड पर शेडो को हाईलाइट करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो पर इस तरीके से शेडो ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप क्रॉप ऑप्शन को सिंपली चूज करेंगे एंड यहाँ से आप जो इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी बैकग्राउंड का जो अल्फा ओपेसिटी उसे अगेन 100% कर लेना है। उसके बाद सिंपली हमें अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे कर देंगे आप सिंपली सेंड टू बैक, ठीक है। उसके बाद आप लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इफेक्ट्स ऑप्शन को चूज करेंगे। देन आप यहाँ से बेसिक ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन ब्लर को चूज कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ब्लर को आप अपनी पूरी स्क्रीन पर फिट कर लेंगे। देन सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर इसका जो स्ट्रेंथ है आप इसे पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद इसे कर देंगे डन। अभी हमें क्वेश्चन ब्लर के लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। देन इसे भी हमें कर देना है सेंड टू बैक, ठीक है। उसके बाद हमें अगेन अपनी ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है एंड 3 डॉट के ऊपर अगेन क्लिक करना है और इसे कर देना है सेंड टू बैक, ठीक है। यहाँ से आप कर देंगे इसे सेंड टू बैक। देन जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो पर यहाँ पर 3D शेडो क्रिएट हो चुका है हमारी वीडियो की बैकग्राउंड में। उसके बाद आप इसका जो अल्फा ओपेसिटी उसे कम भी कर सकते हो एंड ज़्यादा भी कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो एक 3D शेडो क्रिएट कर सकते हो। अब चलते हैं कि स्ट्रोक की तरह। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, ठीक है। किसी भी कलर के एक बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो या फिर मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि देख सकते हो मैंने एक वीडियो को ऐड कर लिया और अभी हमें क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें मीडिया ब्राउजर चूज करना है। देन यहाँ से आप वही वीडियो को चूज कीजिएगा जिस वीडियो की चारों तरफ स्ट्रोक ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड एक वीडियो को ऐड कर लिया। देन हमें वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इसे सिंपली कर देना है डुप्लीकेट, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप इसे जूम करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन आप यहाँ से चूज करेंगे, देन आप यहाँ से एडजस्टमेंट ऑप्शन को चूज करेंगे एंड इसे आप बिल्कुल कर देंगे फुल। उसके बाद आप चाहो तो इसे भी फुल कर सकते हो या फिर जिस तरीके से आप रखना चाहते हो। उसके बाद सिंपली इसे कर दीजिए डन, ठीक है। उसके बाद आप अगेन अपनी जो वीडियो उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप चूज करेंगे कलर फिल्टर को। देन आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक कलर फिल्टर को चूज कर सकते हो। ओके, तो मान लो ये वाला जो कलर है मैं इसको चूज किया, उसके बाद सिंपली इसे कर देते हैं डन। अभी हमें जो अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल छोटा कर लेना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हो।
उसके बाद जैसे कि देख सकते हो हमारे वीडियो पर स्ट्रोक ऐड हो चुका है, एज यू कैन सी हियर। तो बेसिकली इस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर अमेजिंग अपनी वीडियो पर स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। तो यही था बस हमारा दो एडिटिंग ट्रिक्स, मैंने दोनों एडिटिंग ट्रिक्स के बारे में आपको बता दिया। तो आपको इन दोनों ट्रिक्स जान के कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरीके की वीडियो और भी पाने के लिए आप चाहो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।